पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सरकारी नलकूप पर तैनात ऑपरेटर द्वारा अवैध वसूली की जाती है, वो भी खेतों में जाने वाले पानी के बदले। खेतों में सिंचाई के लिए जाने वाले पानी पर लगान के तौर पर ये ऑपरेटर वसूली करता है। लगातार ये वीडियो वायरल हो रहा है। मामला जनपद संभल का है, जहां पर मौलागढ़ में एक सरकारी ट्यूबवेल है, जिससे किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए सरकार द्वारा निशुल्क पानी मुहैया कराया जाता है। लेकिन यहां पर तैनात ऑपरेटर महोदय किसानों से सिंचाई करने के बदले अवैध वसूली करता है। 50 रुपए बीघे तक की वसूली की जाती है। जब किसान पैसा नहीं दे पाते तो उनके साथ मारपीट तक की जाती है और गाली गलौज करके उन्हें बेइज्जत किया जाता है। साथ ही पानी ना देने की धमकी तक दी जाती है। सरकार द्वारा किसानों के लिए नई नई योजनाएं तो चलाई जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद ये सरकारी मशीनरी और ऑपरेटर महोदय जैसे सरकारी कर्मचारी सरकार की योजनाओं पर पलीता लगा रहे हैं और किसानों को दुखी रखने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे। और फिर बाकी चचा की है। हम तो कह बात सुनो, 100 रुपए लो, जितनी जमीन कर रहे सब बस ले लो। एक बात सुनो, वो हिसाब बनाओ, मैंने जा सके समझा के मैंने तारीख क्यों थी, पहला को पहला से ताली ले जाती है, सही छीन छान के ले जाती है, बेचारे फोरन देते तो मैंने आगे तू सामान मान के आई सही मैं और मैं इसे चला देंगे। किसान आए वो मेरे दो भेज, वो पैसा देख जाएंगे 20 रुपये 25 रुपये जहीं जहीं खर्च कर देंगे, कुछ पैसा बचेंगे हम खाएंगे, पेट्रोल डलवाएंगे गाड़ी में और क्या होता है। अब तू नेता कर दी घर को मोस्ट मेहनत दे ना, अरे ऐसे जन कितने मिलते हैं ना देने बाद ना दे तो घाटू आ रहा हूँ ऑपरेटर पे हूँ घाटू ना आते। अरे एक काम करो, जो करवाओ आपने देखा है किसानों से 50 रुपए लेता है, मतलब भराई के आज ना खेत भर का आता होता है, मतलब उसके बाद ये चाबी देने चाबी बोला चाबी लाओ मुझे उसके बाद रुपए लाओ, मतलब 50 रुपए के हिसाब से 800 रुपये मांग रहा था आज दिन में भैया 11 बजे मैंने रुपये ना दिए तो अपने लड़के को लेकर आकर इसने मेरे साथ मारपीट की। कहाँ रहते हैं ये? मौलागढ़ में रहता है, इस मंदिर के पीछे। क्या नाम है इसका? इसका नाम सुरेश कुमार सनोप पूरन सिंह, ग्राम मौलागढ़। ड्यूटी कहाँ करते हैं? ड्यूटी चंदौसी में रहता है।